येऊर वन विभागाच्या अंतर्गत डोंगरावरील अनधिकृत मामा भांजे दर्ग्यावर कारवाईसाठी सकल हिंदू समाज आक्रमक। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येऊर वन विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या डोंगरावर असलेल्या अनधिकृत मामा भांजे दर्ग्यावर कारवाई करण्याची मागणी आता मनसे पाठोपाठ सकल हिंदू समाजाच्या वतीने करण्यात आली। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येऊरचे उपसंचालक उदय ठगे यांना सकल हिंदू समाजाच्या वतीने पत्र देऊन ही मागणी करण्यात आली। जरी या अनधिकृत दर्ग्यावर कारवाई केली नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देखील देण्यात आला। जंगल सुरक्षेच्या दृष्टिकोनाने मामा भांजा डोंगरावरील मामा भांजे या अनधिकृत दर्ग्यावर कारवाई करण्याचे आदेश एअरफोर्सने देऊन देखील वन विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे मनसेनंतर आता या अनधिकृत दर्ग्यावर कारवाईची मागणी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने करण्यात आली। येत्या काळात जर कारवाई केली नाही तर यापुढे उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा सकल हिंदू समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे। आता दोन दिवसापूर्वी बहुतेक दोन तीन दिवसापूर्वीच राबोडी येथे NIA ने ISIS चे आतंकवादी पकडले आणि पडग्यामध्ये, तर एखाद्या गोष्टीमध्ये एवढ्या जवळ एअरफोर्सच्या जवळ हे मामा भांजे दर्गा आहे आणि एअरफोर्सने खूप महिन्यापूर्वीच वन विभागाला एक पत्र दिलं होतं की हे नॅशनल सिक्युरिटी थ्रेड आहे, लवकरात लवकर हे जे मामा भांजे दर्गा उभे केले ते काढण्यात यावी, अन्यथा एखादी अप्रिय घटना घटू शकते। तर आज आम्ही सकल हिंदू समाजातर्फे एक पत्र दिलेलं आहे फॉरेस्टवाल्यांना की आपण लवकरात लवकर त्या दर्ग्यावरती कारवाई करावी। आज आम्ही त्यासाठी पत्र दिले आणि आमच्यासोबत रिटायर्ड एअरफोर्स ऑफिसर पण आहेत, तेही तुम्हाला काहीतरी माहिती देतील। आज आम्ही यांना निवेदन दिलं आहे, भविष्यात याच्यावरती आम्ही खूप मोठं आंदोलन उभा करू जर यांनी काही कारवाई नाही केली तर। सर, मैं खुद यहाँ पर 2003 से 2006 तक यहाँ पर पोस्टिंग था। उस समय आसपास की एरिया में ऐसा कहीं भी कुछ भी कोई मजार या कहीं कुछ भी नहीं था, ओपन एरिया हुआ करता था। आज जब से मुझे सुनने को मिला कि यहाँ पर एक मजार बना दिया गया है और अपने आसपास में डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट के पास में इस तरह का मजार होना और मजार से कोई भी एक्टिविटी आतंकवादी एक्टिविटी हो सकती है, अपनी जो सेक्रेसी है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की वो लीक की जा सकती है। कल दूध बेचने वाले के नाम पर एक बैलून का गुब्बारा ऊपर उड़ा देगा, उसमें कैमरा फिट कर देगा, कुछ भी किया जा सकता है। वो छुप करके बाहर से जब सिटी के अंदर उनके ऊपर रेड पड़ेगा वो यहाँ पर छुपने के लिए आएंगे, उन मजार के यहाँ से उनको खाना पीना राशन पानी सब मिलता रहेगा, वो जंगल में छुपे रहेंगे, उनका छुपने का एक बहुत बड़ा यहाँ अड्डा बन जाएगा, तो अपना एस्टेब्लिशमेंट भी खतरे में पड़ेगा और पूरा आसपास की सिटी छोड़िए ये जो हमारा आज मुंबई है मुंबई भी खतरे में पड़ सकता है। ये सोच करके आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और डिफेंस का अपनी कुछ लिमिटेशन होती है, वो अपनी सीमा के अंदर काम करते हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि बाहर से अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट पर कोई थ्रेट होता है तो उसके लिए भी हम अपनी तरफ से तैयार रहें। लोकनायक न्यूज़।